डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ मंडल के कमिश्नरी सभागार में माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा बनाए गए मध्यस्था पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कमिश्नरी सेल्वा कुमारी जैन ने किया। कमिश्नरी सेल्वा कुमारी जैन ने बताया कि इस पोर्टल पर उद्यमियों से संबंधित समस्याओं का निस्तारण होगा। उद्यमियों को घर बैठे पोर्टल से समस्त जानकारी आसानी से मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि उद्यमियों को अपनी सभी समस्याओं का निस्तारण सरल एवं सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके। बता दें कि माइक्रो स्मॉल इकाई किसी भी अन्य इकाई को वस्तु एवं सेवा प्रदान करती है, तो वस्तु एवं सेवा क्रय करने वाली इकाई को बेचने वाली इकाई का भुगतान अधिकतम 45 दिन के अंदर करना होगा। अगर इसमें देरी होती है तो क्रेता इकाई को बैंक रेट के 3 गुना ब्याज सहित मूलधन वस्तु एवं सेवा प्रदान करने वाली इकाई को देना होगा। कमिश्नर ने बताया कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल की स्थापना माइक्रो स्मॉल इकाई लंबित भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से सुनवाई तिथि की जानकारी ईमेल तथा मैसेज के माध्यम से वादी तथा प्रतिवादी दोनों को भेजी जाएगी। साथ ही मध्यस्था पोर्टल के माध्यम से इकाइयों के विलंबित भुगतान समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से मिल सकेगी। इस मौके पर MSEFC मेंबर्स अजय गुप्ता, IIA कुलभूषण अग्रवाल, लघु उद्योग भारती, SK मजूमदार, LDM केनरा बैंक तथा दीपेंद्र कुमार उपायुक्त उद्योग आदि उपस्थित रहे। इस बारे में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जैन ने यह जानकारी दी। सबसे पहले तो मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, मध्यस्थता पोर्टल। क्या कारण है इस तरीके का नाम रखने का? आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलेशन काउंसिल है, तो ये सुलह एंड मध्यस्थता एक्ट में ही लिखा हुआ है टर्म, तो वी यूज द सेम टर्म मध्यस्थता, जिसमें आर्बिट्रेशन का फोकस करते हैं। मैडम, कानपुर के बाद मेरठ में आपने बताया कि बहुत ज़्यादा केसेस हो गए थे, तो इसलिए मेरठ को एक सेंटर बनाया गया है केसों के निस्तारण के लिए। लगभग मेरठ मंडल की बात करें तो कितने केसेस हैं? हमारे रेकन्सिलेशन में लगभग 650 से ज़्यादा केसेस हैं, एंड आर्बिट्रेशन को लेंगे लगभग 290 से ज़्यादा केसेस अभी पेंडिंग में है। करंट इसमें नया केसेस जो पोर्टल समाधान पोर्टल में वो आएंगे, वहाँ से और भी रेफर होके आएंगे। कई केसेस पोर्टल में करने पे ही कुछ रेकन्सिलेशन होके निस्तारण हो जाता है, उस हिसाब से देखेंगे तो अचीवमेंट्स हमारा बड़ा है। बट एट द सेम टाइम पेंडेंसी मॉनिटरिंग के लिए जो पोर्टल का मंशा है, तो वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ इट थ्रू द पोर्टल। हमारा पेंडेंसी बहुत अधिक है, यूपी में आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट होगा हमारे पास जो केसेस है। किस तरीके से वर्क करेगा ये? एक्चुअली मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है। एनी MSME कंपनी कैन अप्रोच द काउंसिल थ्रू द पोर्टल, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये पोर्टल स्पेसिफिकली मेरठ के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास रिकंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन को मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल नहीं था अभी के लिए। सेकेंडली नोटिस सर्व करने में ये पोर्टल हमारा मदद करेगा। सेकेंडली डेट्स, क्योंकि पार्टीज इंडिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, कुछ तो अब्रॉड भी हो सकते हैं, तो दे कैन एक्चुअली हैव उसमें से पता कर सकते हैं हमारा केसेस कब लगाए हैं उसमें, दे कैन एक्चुअली फाइंड आउट। तो उसके हिसाब से अपना जवाब देना हो या अपना पक्ष प्रस्तुत करना हो, लीगल एड लेना हो, तो वो सब कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इसमें हमारा अचीवमेंट्स मॉनिटरिंग का भी मैकेनिज्म है, ताकि एक बार अगर अवार्ड हो भी गया है उसके बाद भी देर आर मेनी प्रोसीजर, तो वी हैव टू इंश्योर उनका पेमेंट एक्चुअली हो जाए, तो उसमें इस पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग करना ईजी हो जाएगा। तो ऑल द फेजेस वी आर एबल टू मॉनिटर प्रिलिमिनरी केसेस थ्रू द हियरिंग एंड आफ्टर हियरिंग के बाद जो डिस्पोजल है उसका, तीनों। माना जाए कि आने वाले समय में लघु उद्योगों को राहत मिलने वाली है उनके केस। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का पूरा प्रयास है
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के द्वारा कि हम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं इनका फैसिलिटेशन हो जाए ताकि इनका पेमेंट समय पे हो जाए, क्योंकि जितने भी पेमेंट समय पे हो जाएंगे तो वो फिर इकोनॉमी में लगाते हैं, तो उसमें हमारा और बढ़ावा हो जाएगा और मेरठ मंडल में जितने भी कंपनीज हैं उनको बहुत सहयोग मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।